लूं। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे ग्रुप बाय क्लॉज। अब ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है, हम लोगों को अगर डेटा किसी ग्रुप के ऑर्डर में चाहिए हो, जैसे कि अब मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने डेटा की स्ट्रक्चर बनाता हूँ। मान लो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है, यहाँ पे है आईडी, ठीक है, यहाँ पे है प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे है प्रोडक्ट नेम, यहाँ पे एक कॉलम प्रोडक्ट नेम का है, उसके अलावा दूसरा कॉलम, फिर यहाँ पे दूसरा कॉलम मेरे पास, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे टेबल की पहले स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखा दूँ, ठीक है, एक प्रोडक्ट नेम और दूसरा है यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वांटिटी, यानी के सेल क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी कितनी हुई, और यहाँ पे है सिटी के कितनी सिटी में कौन कौन सी सेल क्वांटिटीज हुई है, ठीक है, या सेल क्वांटिटी नहीं, क्या कह सकते हैं इसको, इसको मैं दूसरा कॉलम क्या कह सकता हूँ, या यही देख लेते हैं, ठीक है। पहला मेरे पास है यहाँ पे, और पहला प्रोडक्ट है मेरे पास एप्पल, ठीक है, एप्पल की सेल क्वांटिटी हुई है 12, सेल क्वांटिटी हुई है कराची में। इसी तरह से दूसरा मेरे पास है सैमसंग, हाँ कार्ट परचेज आइटम कुछ इसी तरह से, सैमसंग, सैमसंग की मेरे पास 12 ही सेल क्वांटिटी हुई है कराची में, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप बाय क्लॉज में हम लोगों को हम लोग क्या करते हैं, अब अगर मुझे इस तरह से देखना हो कि किस कंट्री में टोटल सेल कितनी कितनी हुई है किस चीज की, जैसे कि मुझे ये देखना हो कि कराची में टोटल सेल कितनी हुई है, ओवरऑल मुझे हर जगह पे उनका एक टोटल देखना हो, तो उसके लिए क्या यूज होता है हमारा, ग्रुप बाय क्लॉज। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ ग्रुप बाय क्लॉज की, आपको एक एक सेकंड में आपको एग्जांपल दिखाता हूँ ग्रुप बाय क्लॉज की, हमारे पास कैसे एग्जांपल होती है। अब जैसे यहाँ पे ये देखो, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक सेकंड में आपको यहाँ पे सबसे पहले, अच्छा अगर आपको, अगर किसी के पास एसक्यूएल सर्वर नहीं चल रहा तो वो एसके यहाँ पे ऑनलाइन एसक्यूएल क्यूरी भी लिख सकता है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है, ये मेरा कस्टमर का टेबल है और मैं इस टेबल को रन करता हूँ। अब ये देखो इस वक्त हमारे पास यहाँ पे कस्टमर के टेबल में क्या है, अब ये हमारे पास कस्टमर का बना बनाया टेबल है, मैंने यहाँ पे इसलिए चलाया क्योंकि अब देखो हमारे पास 91 रिकॉर्ड्स हैं अलग अलग कस्टमर टेबल के, तो ये अगर हम अपने मैन्युअली इंसर्ट करते तो हम लोगों को बहुत टाइम लग जाता, और यहाँ पे हमारे पास टेबल बना बनाया है, हर चीज बनी हुई है, ये आईडी बनी हुई है, सब नाम बने हुए, तो अब यहाँ पे ये देखो कस्टमर के टेबल क्या है, कस्टमर के टेबल में ये सब कस्टमर्स हैं, पर अब एक चीज नोट करो, यहाँ पे ये फर्स्ट कस्टमर है कहाँ पर है, जर्मनी में है, उसके बाद जर्मनी में दूसरा कस्टमर भी क्या है, दूसरा कस्टमर भी कहाँ पर है, जर्मनी में। अब अगर मुझे ये देखना हो कि टोटल जर्मनी में कितने कस्टमर्स हैं, मैक्सिको में कितने कस्टमर्स हैं, यूके में, स्वीडन में, इन सब अलग अलग कंट्रीज में टोटल कितने कस्टमर्स हैं, तो अब आता है हमारे पास ग्रुप बाय फंक्शन। यहां तक समझ में आया, ग्रुप बाय फंक्शन का काम क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि मुझे देखना हो कि हर मुल्क में, अब ये सब कंट्रीज हैं, उनमें अलग अलग कस्टमर्स हैं, सर इसने सिटी का रिलेशन इस्तेमाल किया नहीं किया, नहीं किया इन्होंने सिटीज का रिलेशन इस्तेमाल नहीं किया, हम कर सकते हैं बेसिक बेसिक काम, ये अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं ये सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं, जब हम समझने के लिए कर रहे होते हैं तो हम लोग डेटाबेस को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बनाते हैं, पर जब हम किसी ऑफिशियल इदारे या ऑफिशियल का ऑफिशियल वेबसाइट के लिए काम करते हैं तो हम लोग रिलेशनशिप बनाकर सारे काम करते हैं। ये चीज समझ में आई सबको, बिल्कुल रिलेशन ये भी करते हैं, उसके ऊपर भी मैं आगे जाऊंगा, फिलहाल हमारे फिलहाल रिक्वायरमेंट समझ में आ गई मेरी जो मैंने बोली, कि फिलहाल मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या है, कि ये मेरे पास एक टेबल है कस्टमर का, ये मेरे पास क्या है कस्टमर का एक टेबल है, इस कस्टमर के टेबल में यहाँ पर हमारे पास इस कस्टमर के टेबल में बहुत सारे मुल्कों में अलग अलग कस्टमर्स मौजूद है, जैसे कि ये कस्टमर मेरे पास कस्टमर का नाम और यहाँ पे कितने मौजूद है, ये सब यहाँ पे कस्टमर्स मौजूद हैं अलग अलग मुल्कों में, जर्मनी में, मैक्सिको में, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे देखना है कि हर कंट्री में कितने कस्टमर्स मौजूद हैं, जैसे कि लेट सपोज जर्मनी में कितने कस्टमर्स मौजूद हैं, जर्मनी में एक ये हो गया, एक ये हो गया, और दूसरा हमारे पास जर्मनी में और कौन सा है, जर्मनी में एक ये वाला हो गया, तीन हो गए हमारे पास जर्मनी में, चौथा ये जर्मनी में हो गया, और उसके अलावा चौथे के बाद फिर हमारे पास नीचे कौन सा है, पांचवा हो गया ये जर्मनी में, और इस तरह से हमारे पास, अब देखो अब कितने कस्टमर्स मौजूद हैं, ज्वाइन कैसे यूज करोगे मुझे ये बताओ,
ज्वाइन तब यूज होता है जब दो टेबल्स हैं। यहां पे ये डेटा दो टेबलों में है, ये डेटा एक ही टेबल में है। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास कौन सा, अब हम क्या यूज करेंगे, ग्रुप बाय फंक्शन। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब ग्रुप बाय क्या है, मैं कंट्री वाइज ग्रुप करता जा रहा हूं। मैं क्या चाह रहा हूं कि अब देखो कंट्री, अब मैं कंट्री कंट्रीज को ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूं। कितनी कंट्रीज के ग्रुप है, एक ग्रुप का नाम जर्मनी है, एक ग्रुप मेक्सिको है, एक ग्रुप स्वीडन है, एक ग्रुप मतलब अब देखो एक ग्रुप जर्मनी है, एक ग्रुप कंट्रीज को मैं ग्रुप बाय किसमें करूंगा, ग्रुप बाय बाय कंट्री करूंगा। ग्रुप बाय क्या करूंगा, कंट्री वाइज। और मैं क्या कह रहा हूँ, ग्रुप बाय कंट्री करो। और अब देखो यहाँ पे एक ग्रुप में क्या है, एक ग्रुप में जर्मनी है, एक ग्रुप में मेक्सिको है, अब इस तरह अलग अलग ग्रुप है। अब हर ग्रुप में कितने इंप्लॉयज हैं, इसके लिए हमारे पास क्या क्यूरी होगी, इसके लिए हमारे पास क्यूरी होगी ये वाली। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये देखो बेसिक क्यूरी सिलेक्ट काउंट हमारा फंक्शन है जो हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। यहां तक क्लियर है सबको, ये लाइन क्लियर है सबको, कम ऑन रिप्लाई, ये लाइन सबको क्लियर है। काउंट फंक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, जब मैंने आप लोगों को काउंट पढ़ाया था, सम पढ़ाया था, एवीजी पढ़ाया था। और ये कस्टमर आईडी को क्या करके देगा, काउंट करके देगा। क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि मुझे टोटल कस्टमर काउंट करने, टोटल कस्टमर्स इन ईच कंट्री, मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, हर कंट्री में टोटल कस्टमर्स कितने हैं, मुझे वो काउंट करने थे। कम ऑन रिप्लाई, ओके। तो अगर मैं खाली काउंट को चलाता हूं तो ये मुझे क्या करके दे रहा है, ये इस मुझे इस पूरे के पूरे कस्टमर टेबल में कितने एम्प्लॉय, कितने कस्टमर्स हैं, ये काउंट करके दे रहा है। काउंट का ये काउंट कस्टमर आईडी क्या करता है, जितने भी मेरे पास इस कस्टमर के टेबल में है उन सबको काउंट करके दे रहा है। यहां तक तो था सबको काउंट कर दे रहा है, पर अगर मुझे ग्रुप बाय काउंट करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे इसके आगे क्या लगा सकता हूं, मैं इसके आगे ग्रुप बाय क्लॉज लगा सकता हूं। यहां पे मैं इसके आगे क्या लगा सकता हूं, ग्रुप बाय क्लॉज, जी आर ओ यू पी, ग्रुप बाय कंट्री, ग्रुप बाय कंट्री। अब अगर मैं इधर देखता हूं तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, अब ये सब कंट्री में कितने कस्टमर्स हैं वो आ गए। पर इस वक्त मेरे यहाँ पे अगर मुझे इनके साथ कंट्रीज के नाम भी शो करवाने हैं तो मैं क्या यहाँ पे कंट्री का कॉलम भी शो करवा दूंगा। तो अब ये देखो अर्जेंटीना में कितने कस्टमर्स हैं, 3। और ये हमारे पास जर्मनी, हमने देखा था जर्मनी में कितने कस्टमर्स हैं, 11 कस्टमर्स हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब ये क्या हुआ, कस्टमर आईडी ने मुझे टोटल कस्टमर्स काउंट कर दिए। बिल्कुल दो टेबल्स में हो सकता है ज्वाइनिंग के जरिए, अब वो आगे देखेंगे, हम उसको आगे देखेंगे, आगे देख लेते हैं उसको। पर यहां तक ये लाइन समझ में आ गई, ये क्या करेगी, ये सिर्फ कस्टमर आईडी को टोटल को काउंट करके दे रही है, कितने कस्टमर्स आईडी हैं टोटल ये बता रही है। और यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये मेरे पास कंट्रीज है, कंट्रीज है यहाँ पे शो करने के लिए, फ्रॉम कस्टमर टेबल्स, ग्रुप बाय किसके लिए करना था, मैंने ग्रुप किसकी बेस पे बनाना था, कंट्री की बेस पे ग्रुप बनाना था मैंने, कम ऑन रिप्लाई, मैंने कंट्री की बेस पे ग्रुप बनाना था। तो मैंने यहाँ पे कंट्री, यहाँ पे ग्रुप बाय में मैंने कौन सा कॉलम लिख दिया, कंट्री का कॉलम लिख दिया। यहां तक क्लियर है सबको, यस सर। अभी मैं इस क्यूरी को मैं कमेंट करता हूं और यहाँ पे मैं नॉर्मल अपनी क्यूरी चलाता हूँ जैसे हमने पहले लिखी थी, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कंट्री, और कंट्री की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, और कंट्री नहीं कस्टमर, सॉरी कंट्री का कोई टेबल नहीं है, कस्टमर का टेबल है। ये देखो अब यही हमारा टेबल का रिकॉर्ड है, सही है, यही टेबल का रिकॉर्ड है। अब यहां पे मैंने क्या किया, मैंने बोला कि कंट्री वाइज सबको ग्रुप कर दो, ग्रुप किसकी वाइज बनाओ, ग्रुप कंट्री वाइज सबको ग्रुप कर दो, और उस ग्रुप में जितने भी कस्टमर आईडी हैं उनको काउंट करो, और कौन सी कंट्री में है वो कंट्री दिखाओ, फ्रॉम कस्टमर टेबल से उठाओ। ये समझ में आ गया इस क्यूरी को, ग्रुप बाय क्लॉज समझ में आ गया, सर अगर टू सिमिलर कॉलम के हिसाब से ग्रुप बाय करना हो तो किस तरह से सिमिलर कॉलम्स, में समझा नहीं आपकी बात,
इसके ऊपर भी मैं आगे आता हूं। दो सेम के साथ किस तरह ग्रुप बाय करोगे? ग्रुप बाय एक वक्त में तो एक से के साथ ही ग्रुप हो सकता है ना, एक के वक्त में, एक वक्त में तो आप एक ही ग्रुप बना सकते हो ना। उसके ऊपर भी मैं आगे आता हूं, इसके ऊपर भी मैं आगे आता हूं, इसको भी आगे देखते हैं। अच्छा आप एक और चीज, एक और चीज इसके ऊपर आगे मैं समझाता हूं तुम्हें डिटेल में। अब मैं इनको अनकमेंट करता हूं, पर अब यहां पे अगर मुझे चाहिए होता, अब हम अगला क्लॉज कौन सा पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं हैविंग क्लॉज। कौन सा क्लॉज? हैविंग क्लॉज। पर अब यहां पे अगर मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूं तो ये क्यूरी तो, एक सेकेंड, मैंने यहां पे कुछ एरर की है, कुड नॉट प्रिपेयर द वन और मोर देन टू स्टेटमेंट, एक सेकेंड यहाँ पे। तो ये देखो अब यहां पे, ओके इसके ऊपर मैं आगे आता हूं। अब देखो अब यहाँ पे ये सब मेरे पास दिखा रहा है, ये मुझे सब ग्रुप बाय ऑर्डर में सब कुछ दिखा रहा है, पर अब मैं चाहता हूं कि मुझे वो रिकॉर्ड्स दिखें जो ग्रेटर देन फाइव हो, मुझे वो रिकॉर्ड्स दिखें, मुझे सिर्फ वो कंट्रीज दिखें जिनके अंदर कस्टमर पांच से ज्यादा हो, तो कौन सा क्लॉज यूज करोगे आप? अगर आप नॉर्मल वेयर क्लॉज, बिल्कुल सही, मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे यहां पर देखना हो कि सिर्फ वो कंट्रीज देखनी है जिनमें पांच से ज्यादा कस्टमर्स हैं, तो आप लोग कौन सा क्लॉज यूज करोगे नॉर्मली? कम ऑन रिप्लाई, कौन सा क्लॉज यूज करोगे? हाँ ऑर्डर में रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बाय डिफॉल्ट मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था बाय डिफॉल्ट ये कौन सा ऑर्डर आता है? बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में आता है। कम ऑन, और बाकी सिर्फ सिर्फ शर्जील ने मुझे बताया है कि कौन सा क्लॉज यूज करेंगे, बाकी किसी ने भी नहीं बताया। फिलहाल इनको छोड़ो, फिलहाल जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब बताओ। मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे यहां पर यह देखना हो कि सिर्फ वो कंट्रीज शो हो जिनमें पांच से ज्यादा कस्टमर्स हों, तो कौन सा क्लॉज यूज करेंगे हम लोग? वेयर। चलो ठीक है, अब आप लोगों के कहने पे मैं वेयर क्लॉज यूज कर लेता हूं। आप लोग कह रहे हो तो मैं वेयर क्लॉज यूज कर लेता हूं। किधर यूज करूं? फ्रॉम के नीचे हैविंग पर बाद में आ रहा हूं। हैविंग क्यों यूज करना है वही बताऊंगा मैं अभी आगे। हैविंग क्यों यूज करना है उसी के ऊपर आगे आऊंगा। हैविंग क्यों यूज करना है, मैं वेयर क्लॉज किधर यूज करूं? फ्रॉम के नीचे या ग्रुप बाय के बाद? फ्रॉम के नीचे, सही है। मैं यहां पे वेयर क्लॉज यूज करता हूं। वेयर क्या हमारे पास? कस्टमर आईडी। पर अब अगर एक चीज नोट करो, एक सेकेंड, कंट्रोल सी, ग्रेटर देन फाइव। पर एक चीज नोट करो, क्या वेयर क्लॉज में हमारे पास ये चीजें एक्सेप्टेबल थी? क्या वेयर क्लॉज में मैं ये एग्रीगेटेड फंक्शन यूज कर सकता था? अब यहां पे ये क्या आ रहा है? एरर आ रही है। ये इस क्यूरी को नहीं कर, वो देखो ये क्या कह रहा है, वन मिस यूज ऑफ एग्रीगेटेड काउंट फंक्शन। अब ये हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वरना हम एसक्यूएल सर्वर पे यूज कर रहे होते तो मैं एक परफेक्ट एरर बताता, पर यहाँ पे ये क्या बता रहा है, वन मिस यूज ऑफ एग्रीगेटेड काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन के, हम वेयर के अंदर एग्रीगेटेड फंक्शन, एग्रीगेटेड फंक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे पास? कम ऑन रिप्लाई, एग्रीगेटेड फंक्शन कौन कौन से हमारे पास? काउंट है, एवरेज है, सम है, इस तरह के ये सब कौन से हैं? ये एग्रीगेटेड फंक्शंस हैं। तो ये हम वेयर क्लॉज में यूज नहीं कर सकते, एग्रीगेटेड एट्रीब्यूट नहीं, एग्रीगेटेड फंक्शन ये हम कहां यूज कर नहीं कर सकते? वेयर क्लॉज में यूज नहीं कर सकते। तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? अब मुझे हैविंग क्लॉज यूज करना पड़ेगा। हैविंग, अब मैं यहां पे क्या बोलूंगा, काउंट कस्टमर आईडी ग्रेटर देन फाइव। अब ये देखो, अब हैविंग क्लॉज के अंदर मैं अपने कुछ भी यूज कर सकता हूं। क्लियर है? तो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को क्या बोला, वेयर का अल्टरनेटिव है, बिल्कुल, पर फर्क सिर्फ इतना है कि वेयर हैविंग तभी यूज होगा अगर आपने ग्रुप बाय यूज किया होगा तो। हैविंग कब यूज होगा? अगर आपने ग्रुप बाय यूज किया होगा तो, वरना आपका हैविंग यूज नहीं होगा। ये क्लियर है? हैविंग और वेयर एक ही तरह का काम करते हैं, पर हैविंग सिर्फ तब यूज होगा जब ग्रुप बाय यूज किया हुआ होगा,
और दूसरी चीज हैविंग के अंदर हम लोग एग्रीगेटेड फंक्शन यूज कर सकते हैं, वेयर के अंदर हम एग्रीगेटेड फंक्शन यूज नहीं कर सकते। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? अब लास्ट क्लास, अब अपनी लास्ट क्लास याद करो, मैंने क्या बोला था हम सब क्यूरीज कहां कहां यूज कर सकते हैं? मैंने क्या बोला था हम सब क्यूरीज सिलेक्ट में यूज कर सकते हैं, हम सब क्यूरीज वेयर में यूज कर सकते हैं और सब क्यूरीज हैविंग क्लॉज में यूज कर सकते हैं। और उस टाइम मैंने क्या बोला था कि हैविंग क्लॉज को हम आगे देखेंगे, तो हैविंग क्लॉज समझ में आ गया। यहां पे मैं सब क्यूरी भी लगा सकता हूं, यहां पे मैं सब क्यूरी भी यूज कर सकता हूं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज का समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? वो मैंने कस्टमर आईडी के जरिए कर दिया, कस्टमर आईडी के जरिए इसको मैंने ऑर्डर बाय कर दिया, तो इसको यहाँ पे कंट्री के जरिए करना था, मैंने यहाँ पे उल्टा कॉपी कर दिया, कंट्री के जरिए करना था मुझे यहाँ पे एंड नाउ सी। अब सही है, कंट्री के जरिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है। मैंने क्या किया है, मैंने जस्ट ऑर्डर बाय क्लॉज यूज किया है। अभी तक मैंने क्या किया है, ऑर्डर बाय क्लॉज यूज किया है ताकि हम लोगों को यह पता चल जाए कि अगर हमें इसको स्पेसिफिक ऑर्डर में देना हो तो सबसे पहले सिलेक्ट क्लॉज, फ्रॉम, वेयर क्लॉज, हैविंग क्लॉज और ऑर्डर बाय क्लॉज हमेशा कहाँ आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। शर्जील तुमसे सवाल पूछता हूं मैं, एक सेकंड, यहां तक पहले मुझे बताओ सबको क्लियर है? ये चीज क्लियर है सबको? कम ऑन रिप्लाई। अब्बास, हसनैन,